तो इंसिनरेशन प्रोसेस क्या है? इंसिनरेशन इज अ वे टू ट्रीट वेस्ट थ्रू कंट्रोल्ड बर्निंग। वेस्ट इज श्रेडेड एंड हीटेड टू ओवर 1025 डिग्री सी इन ए फर्नेस। तो सीधा सीधा बात है, इंसिनरेशन में हम कंट्रोल्ड बर्निंग करते हैं, मतलब सीधा सीधा बात है, प्लास्टिक सैंपल को, प्लास्टिक वेस्ट को हम बर्न करते हैं। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है, जैसे कि इंसिनरेशन प्रोसेस में हम ब्रिक बनाते हैं, फिर फ्लाई ऐश क्रिएट होता है, कार्बन एक्टिवेट होता है। और सबसे बढ़िया इसका एडवांटेज ये है कि इंसिनरेशन प्रोसेस लैंड फिलिंग की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कम हो जाते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि जो प्लास्टिक इंसिनरेशन प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस CO2 NO ETC व्हिच एनहांसेस ग्लोबल वार्मिंग एंड क्रिएट आस्थमा कैंसर एंडोक्रीन डिजीज। जो क्या है, प्लास्टिक जो इंसिनरेशन प्रोड्यूस है, मैंने पहले भी बोला था कि कुछ प्लास्टिक है वो हमेशा टॉक्सिक ही जनरेट करेगा। कुछ प्लास्टिक वेस्ट है उसको आप कहीं भी रख दीजिए, सॉइल पर रख दीजिए तो सॉइल पॉल्यूशन कर देगा, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कर देगा, बर्न कर दीजिए तो एयर पॉल्यूशन कर देगा। तो ये सब सारे प्लास्टिक अगर इंसिनरेट किया जाता है तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड क्रिएट करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग करवाते हैं, टेम्परेचर को रेज करवाते हैं। एक तो CFC जो है रेफ्रिजरेटर से निकल रहा है वो तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग कर ही रहा है, उसके साथ ये सब भी होने लग जाएगा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर सी का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे लिए, मतलब ह्यूमन्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। साथ में ये लंग कैंसर, एस्थमा, एंडोक्रीन डिजीज जैसा बड़े बड़े डिजीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी डिसएडवांटेज को सॉल्व करने के लिए हम पायरोलाइसिस प्रोसेस में घुसते हैं, जहाँ पे पायरोलाइसिस प्रोसेस में हम यही सारे प्लास्टिक को इसको थर्मल क्रैकिंग करके यूजफुल रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं, बायोफ्यूल जनरेट करते हैं, दैट इज एक्सीलेंट, इट्स वेरी गुड। नेक्स्ट, एनर्जी रिकवरी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड रिफ्यूज। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वेस्ट इज कन्वर्टेड इन टू रिन्यूएबल एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी रिकवरी। तो क्या बोल रहा है कि एनर्जी रिकवरी एक प्रोसेस है जहाँ पे सॉलिड वेस्ट एक रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं एनर्जी रिकवरी। एंड इंसिनरेटर इज अ फर्नेस फॉर बर्निंग वेस्ट, या फर्नेस और कंटेनर फॉर इंसिनरेटिंग वेस्ट मटेरियल। तो इंसिनरेटर क्या है? इंसिनरेटर इंसिनरेशन के अंदर यूज किया जाता है, जहाँ पे जो बर्निंग वेस्ट है, जलने के बाद जो ऐश होगा, ये सब चीज़ इंसिनरेटर में स्टोर होते हैं।